ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। 전쟁은 대한민국이라는 실체를 끔찍하게 괴멸시키고 끝나게 만들 것입니다. 그리고 미국에는 상상해보지 못한 재앙과 패배를 안길 것입니다. 우리 군사적 능력은 이미 그러한 준비 태세에 있으며 빠른 속도로 갱신되어 가고 있습니다. आप सुन रहे थे नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन को। उसने सीधे सीधे परमाणु हमले की धमकी दी है। किसे? अपने पड़ोसी साउथ कोरिया को। किम बोला, जंग नहीं चाहते लेकिन इससे दूर भी नहीं रह सकते। आज हम जानेंगे नॉर्थ और साउथ कोरिया भिड़े तो क्या हो सकता है, दोनों देशों के एक होने में दिक्कतें क्या हैं और इस विवाद में किन देशों का स्टेक है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम देख रहे हैं दुनियादारी, जहां आज कहानी नॉर्थ और साउथ के विवाद के नए पहलुओं की। लेकिन पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिख रही होगी, इसको कहते हैं 38 पैरेलल नॉर्थ। ये रेखा जापान सागर को येलो सी से जोड़ती है। ये धरातल पर कैसी है? लगभग 250 किलोमीटर लंबी और 4 किलोमीटर चौड़ी। दोनों तरफ लाखों सैनिक तैनात हैं। इस रेखा पर ऊंची ऊंची बाड़ें, सुरंगें और वॉच टावर हैं। कई जगहों पर लैंडमाइन भी बिछी हैं। ये है नो मैंस लैंड। यहाँ आम लोगों का आना जाना मना है, इसलिए इसका एक नाम डीमिलिटराइज्ड जोन यानी DMZ भी है। DMZ नॉर्थ और साउथ कोरिया को एक दूसरे से अलग करता है। ये 1953 में बना, बुनियाद इसकी 1945 में ही रख दी गई थी। तब दोनों देश एक हुआ करते थे और वहाँ जापान का कब्जा था। 1945 में हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के उत्तरार्ध में जापान की बुरी तरह हार हुई, उसको बाहर निकलना पड़ा। सोवियत संघ और अमेरिका इस युद्ध के विजेता थे। उन्होंने कोरियाई प्रायद्वीप को 38 पैरेलल के हिसाब से बांट लिया। इस बंटवारे की कहानी भी दिलचस्प है। सोवियत संघ जापान के खिलाफ जंग में अंतिम दौर में शामिल हुआ था। अमेरिका को डर हुआ कि वो पूरे कोरिया पर कब्जा कर सकता है, इसलिए पहले ही हिस्सेदारी तय करने का प्लान बना। जॉर्ज सी मार्शल उन दिनों अमेरिका की फौज के चीफ ऑफ स्टाफ हुआ करते थे। उन्होंने बंटवारे का काम सौंपा कर्नल डीन रस्क को। रस्क बाद में अमेरिका के विदेश मंत्री भी बने। उनकी मदद के लिए एक और अफसर चार्ल्स बोनस्टील को लगाया गया। रस्क और बोनस्टील को ये जिम्मेदारी इसलिए नहीं दी गई कि वो कोरिया के बारे में बड़े जानकार थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वक्त की कमी थी और वो वहाँ मौजूद थे। 1991 में रस्क ने अपनी किताब एज आई सॉ इट में उस वाकये का विस्तार से वर्णन किया है। क्या लिखते हैं वो? 14 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया। उसी रोज मैं और बोनस्टील देर रात तक कोरियाई प्रायद्वीप का नक्शा पढ़ते रहे। हमारे ऊपर जल्दी काम खत्म करने का दबाव था। हमें अमेरिका के कब्जे वाला जोन तय करना था। हम दोनों में से कोई भी कोरिया के बारे में कुछ नहीं जानता था, पर हमें लगा कि सोल अमेरिका की तरफ होना चाहिए। हमें यह भी पता था कि फौज बहुत बड़े इलाके पर कंट्रोल के खिलाफ थी। हमने नेशनल जियोग्राफिक के नक्शे में सियोल के उत्तर की तरफ देखा, पर हमें कोई प्राकृतिक रेखा नहीं दिखी। फिर 38 पैरेलल नजर आया और हमने तय किया कि इसी को रेकमेंड किया जाए। हमारे कमांडर्स ने बड़ी आसानी से हमारी बात मान ली और आश्चर्य तब हुआ जब सोवियत संघ के अफसरों ने भी हामी भर दी और इस तरह दो नौजवान अफसरों ने जल्दबाजी में एक मुल्क का बंटवारा कर दिया। साउथ की तरफ अमेरिका जबकि नॉर्थ में सोवियत संघ का कब्जा हुआ। मकसद था ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिसमें दोनों तरफ की जनता खुद से अपना भविष्य चुन सके, आगे जाकर साथ रहना है या अलग होना है ये तय कर सके। पर जल्दी इसमें रुकावट आने लगी। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ एक तरफ थे। जंग के बाद उनके बीच ही विचारधारा और वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। इसका असर कोरियन पेनिनसुला में भी दिखा। नॉर्थ और साउथ की खाई गहरी होती गई। जब 1948 में अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में इन दोनों हिस्सों में चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया तो नॉर्थ ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। दो बरस बाद उसने साउथ कोरिया पर हमला भी कर दिया। तब साउथ कोरिया को अमरीका और UN की सेना का साथ मिला। जंग 3 बरस तक चली जिसमें लगभग 30 लाख लोगों की जान गई। आखिरकार जुलाई 1953 में संघर्ष विराम हुआ। दस्तखत के वक्त दोनों सेनाएं जहां थी उसी को डीमिलिट्राइज जोन घोषित कर दिया गया। उस टाइम कहा गया कि आगे कभी बैठकर शांति समझौते पर बात होगी, पर वो मौका अभी तक नहीं आया, इसलिए ऑन पेपर नॉर्थ और साउथ कोरिया अभी भी युद्ध की स्थिति में है। लेकिन 1953 के बाद से उनके बीच कोई सीधी लड़ाई हुई नहीं है।
हालांकि पिछले कुछ समय में घटी घटनाओं के चलते आशंका बढ़ी है। चार उदाहरणों से समझते हैं। पहला, नॉर्थ कोरिया जापान और साउथ कोरिया की सीमा के पास मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। इनमें से कई अमरीका तक पहुंचने में सक्षम है। अमरीका के तकरीबन 28,000 सैनिक अभी भी साउथ कोरिया में है। विदेश में उसका सबसे बड़ा मिलिट्री बेस भी है। मकसद, हमले की स्थिति में साउथ कोरिया को बचाना। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जंग की स्थिति में नॉर्थ कोरिया को असली चुनौती अमेरिका से मिलेगी और वो उसी की तैयारी कर रहा है। दूसरी वजह, 15 जनवरी को नॉर्थ कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण का दावा किया, कहा कि ये बिना पकड़ में आए साउथ कोरिया तक पहुंच सकती हैं। तीसरी वजह, नॉर्थ कोरिया और रूस की दोस्ती लगातार प्रगाढ़ हो रही है। नॉर्थ कोरिया यूक्रेन से जंग में रूस की मदद कर रहा है हथियार देकर। इसकी चर्चा तब भी हुई थी जब सितंबर 2023 में किम जोंग उन ने रूस का दौरा किया था और वहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। अब पुतिन के नॉर्थ कोरिया जाने की खबर आ रही है। वो अगले कुछ दिनों में किम से मिल सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से पुतिन यदाकदा ही देश से बाहर निकले हैं। अमरीका ने कहा है कि किम और पुतिन की मुलाकात से हिंसा का खाका तैयार होगा। ये ग्लोबल पीस के लिए संकट की घड़ी है। चौथी वजह, किम जोंग उन ने साउथ कोरिया के साथ मिलने की उम्मीदों पर ताला लगा दिया, संविधान बदलने का हुक्म दिया, कहा कि साउथ कोरिया शत्रु देश है, अब उसके साथ एकीकरण संभव नहीं है। अगर उसने जंग छेड़ने की कोशिश की तो हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करेंगे। और क्या कहा, आप खुद सुनिए। 우리는 전쟁을 바라지 않지만 결코 피할 생각 또한 없습니다. 전쟁이라는 선택을 할 그 어떤 이유도 없으며 따라서 일방적으로 결행할 의도도 없지만 일단 전쟁이 우리 앞에 현실로 다가온다면 절대로 피하는 데 노력하지 않을 것이며 자기의 자주권 사수와 인민의 안전, 생존권을 수호하여 우리는 철저히 준비된 행동에 완벽하고 신속하게 임할 것입니다. 함네 김 के ऐलान को विस्तार से समझने के लिए विवेकानंद इंडिया फाउंडेशन की स्कॉलर प्रेरणा गांधी से बात की और पूछा, साउथ कोरिया को शत्रु देश घोषित कर नॉर्थ कोरिया क्या हासिल करना चाहता है? क्या इसके जरिए जंग को जायज ठहराने की कोशिश हो रही है? इस मुद्दे को समझने के लिए यू विल हैव टू सी लार्जर पिक्चर। अभी का जियोपॉलिटिक्स में अभी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। आपका रशिया यूक्रेन वॉर है, आपका इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसमें नॉर्थ कोरिया की भूमिका एकदम से काफी बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है? जो किम जोंग उनका जो विजिट मॉस्को में रहा एंड जो नॉर्थ कोरिया का मिलिट्री सपोर्ट रशिया की तरफ इस समय जा रहा है, हमने काफी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि एम्यूनिशन मिसाइल्स नॉर्थ कोरिया रशिया को दे रहा है, उसमें एक गैप जो नॉर्थ कोरिया को पहले नहीं मिला था वो अब मिल गया है। एंड इसी बीच जो आप चाइना और यूएस का भी जो टेंशन्स देख रहे हैं उसमें फिर से जो कोरियन पेनिनसुला जिसको हम एक फ्लैश पॉइंट कहेंगे, लाइक एन ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट जोन, इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें जो किम जोंग उन ने आप कहा है कि जो पीसफुल यूनिफिकेशन है अब हम उसका जो एक्सपेक्टेशन है वो छोड़ देंगे एंड हम साउथ कोरिया को एक एडवर्सरी कंट्री के तहत देखेंगे। अभी पिछले साल से साउथ कोरिया और यूएस के बीच की जो एंगेजमेंट्स है काफी चेंज आया है। हम सब ने देखा कि कैंप डेविड में यूएस जापान और साउथ कोरिया तीनों का ट्राइलैटरल समिट हुआ, काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी एंड जो ये ग्रुपिंग है ये नॉर्थ कोरिया की तरफ ही डायरेक्टेड है। चाइना भी है बट नॉर्थ कोरिया भी इन तीनों देशों के लिए एक काफी बड़ा थ्रेट है। तो इन सब जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बीच में नॉर्थ कोरिया को आप कह सकते हैं कि एक शय मिली है टू गेट मोर अग्रेसिव एंड इस अग्रेशन के तहत पहला कि जो यूएस और साउथ कोरिया के जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस रेज्यूम हुए हैं, नॉर्थ कोरिया उन एक्सरसाइजेस को यू नो विद मोर वर्बल अग्रेशन रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहा है। लाइक हमने नॉर्थ कोरिया की जो स्टेटमेंट्स हैं काफी अग्रेसिव है लेकिन कमिंग फ्रॉम टॉप लीडर किम जोंग उन,
इट बिकम्स इवन मोर सिग्निफिकेंट। अलग होने के बाद से नॉर्थ और साउथ कोरिया में भेद बढ़ता गया। साउथ कोरिया पश्चिम के पूंजीवाद के सहारे विकसित होता गया, जबकि नॉर्थ कोरिया ने अलग थलग रहना चुना। साउथ कोरिया में लोकतंत्र आया, जबकि नॉर्थ में किम फैमिली की तानाशाही आई। उनकी विचारधारा में फर्क है, आम लोगों का एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। हमने एक्सपर्ट से ये सवाल पूछा, कोरिया के यूनिफिकेशन में और क्या क्या दिक्कतें हैं। पहली चीज की आपका जो पॉइंट है कि आम लोगों के बीच में यू नो एक लैक ऑफ ट्रस्ट है, शायद एग्जैक्टली वो नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो एक सेम लोग हैं। बॉर्डर के दोनों तरफ फैमिलीज हैं जो यू नो अभी तो काफी साल हो गए हैं कि ये जो फैमिली मीटिंग्स दोनों गवर्नमेंट्स नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की ऑर्गेनाइज करती थी वो नहीं होती। लेकिन 70 सालों में अभी भी आप कह सकते हैं कि वो जो लिंकेजेस है वो आज भी हैं, और शायद इस जनरेशन के बाद वो नहीं रहेंगे, क्योंकि शादियां नहीं हो रही। देर इज नो लाइक न्यू जनरेशन फैमिलीज दैट आर नाउ गोइंग टू कम अप, बट जो पुरानी है वो शायद अपने यू नो आखिरी स्टेप्स में है। रही बात यूनिफिकेशन की, हमने अभी तक एक सक्सेसफुल यूनिफिकेशन जो देखा है वो है जर्मनी का, बट जर्मनी में भी जो दोनों जर्मनी थी, वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी, उसमें इतना अंतर नहीं था जितना नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। चाहे आप यू नो इकोनॉमी का कह लें, या आपने जो पॉलिटिकल कहा कि एक तरफ डेमोक्रेसी है एक तरफ डिक्टेटरशिप है जिसको एक कम्युनिस्ट रंग दिया गया है, तो इन सब के बीच में जो एक कॉस्ट है यूनिफिकेशन का, वो अधिकतर साउथ कोरिया को ही उठाना पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के कन्फ्लिक्ट में किन किन देशों का स्टेक है, वे एकीकरण की कोशिशों को कैसे प्रभावित करते हैं, ये भी जानते हैं। कोरियन पेनिनसुला में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉक्स रही हैं वो है 6 पार्टी टॉक्स, और वो 6 पार्टीज आज भी मेन स्टेक होल्डर्स हैं फॉर दिस रीजन। उसमें जो 6 पार्टीज हैं वो है आपकी US, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान, जो कोई भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में सबसे पहले और सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगी। US का अंडर प्रीवियस प्रेसिडेंट ट्रंप, उन्होंने थोड़ा बातचीत का सिलसिला शुरू किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो सेकंड टॉक्स हुई वियतनाम में वो टूट गया। रशिया का अभी नाते बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करे हैं एकदम से, हमने किम जोंग उन को रशिया जाते हुए देखा। अभी बात चल रही है कि शायद प्रेसिडेंट प्यूटिन भी नॉर्थ कोरिया विजिट करेंगे। रही बात जापान की, जापान बाय वर्चू ऑफ बीइंग सो क्लोज टू कोरियन पेनिनसुला, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है एंड बीइंग यूएस एलाई, वो उस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनेगा ही बनेगा। जापान के अपने थोड़े से मुद्दे हैं, जैसे जो फोर्स्ड यू नो किडनैपिंग्स हुई हैं, जापानी सिटीजन्स को नॉर्थ कोरियंस उठा के ले गए, वो मुद्दे अभी भी उनकी पॉलिटिक्स में बहुत मायने रखते हैं। एंड लॉजिकली साउथ साउथ कोरिया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सोल 5 मिनट, शायद 5 भी मिनट नहीं है, से कम की दूरी एक मिसाइल के तहत बहुत पास है, तो कोई बफर नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट को रोकना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो डिस्ट्रक्शन आएगा इस कॉन्फ्लिक्ट के तहत वो बहुत ज्यादा होगा। अभी अगर आप और पार्टीज की बात करें वेस्टर्न पावर्स में, हाँ कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि अभी जैसे US और चाइना की राइवलरी चल रही है वीजा वी ताइवान हम देखते हैं, कोरियन पेनिनसुला भी एक प्रॉक्सी वॉर के तहत इरप्ट हो सकता है, और अगर US और चाइना के बीच में प्रॉक्सी वॉर शुरू होता है तो यूरोप जो US का बहुत बड़ा एलाय है, आप नेटो देख लो या इन जनरल, वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा ना चाहते हुए भी बन जाएंगे।
रही बात भारत की, हमारे नाते साउथ कोरिया के साथ बहुत अच्छे हैं, जापान के साथ भी बहुत अच्छे हैं, एंड हम नहीं चाहते कि एक इतना जो प्रोग्रेसिव और इतना जो डेवलप्ड रीजन है, आप ईस्ट एशिया देख लीजिए, वहाँ पे ट्रेड है, मैन्युफैक्चरिंग है, कितना तरक्की हो रहा है, वो एक भी कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होते सब खत्म हो जाएगा। आधुनिक इतिहास में एकीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण जर्मनी का है। बर्लिन वॉल के पतन के बाद ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एक हुए थे। उसी घटना ने सोवियत संघ के ताबूत में आखिरी कील भी ठोकी थी। क्या नॉर्थ और साउथ कोरिया की तुलना ईस्ट और वेस्ट जर्मनी से की जा सकती है? अगर दोनों कभी एक हो पाए तो जियोपॉलिटिक्स कैसे बदलेगी? उस समय आप नहीं सोच सकते, क्योंकि जैसी सिचुएशन है, बहुत सारी चैलेंजेस, बहुत सारी कठिनाई है उस यूनिफिकेशन को अचीव करने के लिए। और कहीं ना कहीं, जैसे मैंने शुरू में कहा, नॉट जस्ट पॉलिटिकल विल बट इवन पब्लिक सपोर्ट शायद नहीं है इस चीज के लिए। दोनों बहुत अलग देश हैं, डेवलपमेंट बहुत अलग है। जहाँ एक तरफ आपका दुनिया का सबसे हाई स्पीड इंटरनेट है, दूसरी तरफ शायद लोगों हर घर में इंटरनेट एक्सेस है ही नहीं, बिजली ही नहीं है, इतना फर्क है। उस नॉर्थ कोरिया दो रिसोर्सेज में बहुत रिच है। साउथ कोरिया का जो इतना इंडस्ट्री, इतना मैन्युफैक्चरिंग है, नॉर्थ कोरिया उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रिसोर्स हब बन सकता है। लेकिन जैसी जियोपॉलिटिक्स जा रही है, खासकर जो यूएस और चाइना की राइवलरी है, उसके तहत नॉर्थ कोरिया, मतलब चाइना नॉर्थ कोरिया को नहीं छोड़ेगा। नॉर्थ कोरिया इज अ बफर जोन, शायद कभी स्ट्रेटेजिक एसेट होता है, शायद स्ट्रेटेजिक लाइबिलिटी भी होता है। चाइना का सपोर्ट भी कंडीशनल है, वो अगर नॉर्थ कोरिया उनकी बातें नहीं सुनेगा तो उनको भी वो नहीं चाहिए। लेकिन नॉर्थ कोरिया चाइना के लिए अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस जो साउथ कोरिया में है, वो उसको थोड़ा और डिस्टेंस देके आगे कर देता है। वो नहीं चाहते कि यूएस मिलिट्री उनके मतलब बॉर्डर इतनी प्रॉक्सिमिटी में पहुंचे। जर्मनी का जो मॉडल है, हम कैसे उसको यूनिफिकेशन होने के बाद कैसे दो कंट्रीज इंटीग्रेट हो सकती हैं, उसके तहत देख सकते हैं। बट हाँ, इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स बहुत अलग है। जर्मनी का एग्जाम्पल शायद कोरियन पेनिनसुला के तहत उस में नहीं आप कर सकते। यूनिफिकेशन हो जाने के बाद शायद वो मॉडल काम आएगा, लेकिन उसको यूनिफिकेशन तक ले जाने के लिए जियोपॉलिटिक्स जो जर्मनी फेस कर रहा था और जियोपॉलिटिक्स जो कोरियन पेनिनसुला फेस कर रहा है, वो बहुत अलग है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का चैप्टर यहीं तक। अब सुर्खियों का रुख करते हैं। पहली सुर्खी यूएई से है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई अपने फायदे के लिए यमन में लोगों की हत्याएं करवा रहा है और इसके लिए उसने अलकायदा के आतंकवादियों को भी रिक्रूट किया। हालांकि यूएई ने इन आरोपों को झूठा बताया है। यमन में यूएई की क्या दिलचस्पी है? वहां हूती विद्रोहियों से वो लड़ रहा है। 2014 में हूती ने प्रेसिडेंशियल पैलेस पर कब्जा कर लिया। तत्कालीन राष्ट्रपति मंसूर हादी ने तब सऊदी अरब से मदद मांगी। 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने हमला शुरू किया। इस गठबंधन में यूएई भी शामिल था। लड़ाई 2024 में भी चल रही है। हाल के दिनों में हूती विद्रोही फिर से चर्चा में है। रेड सी में जहाजों पर हमले के चलते और इसी वजह से अमेरिका और ब्रिटेन लगातार यमन पर बमबारी भी कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों और रेड सी की पॉलिटिक्स के बारे में हम दुनियादारी में विस्तार से बता चुके हैं। आपकी दिलचस्पी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में क्लिक कर सकते हैं। दूसरी सुर्खी मालदीव से है। चीन का एक रिसर्च वेसल जियांग यांग हांग 03 मालदीव की राजधानी माले की तरफ बढ़ रहा है। इस पर भारत की नजर है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है, लेकिन कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। जियांग यांग में कई ऐसी मशीनें हैं जो अलग अलग किस्म का डेटा रिकॉर्ड कर सकती हैं। पहले इसका डेस्टिनेशन श्रीलंका था, लेकिन दिसंबर 2023 में श्रीलंका ने विदेशी रिसर्च शिप के आने पर पाबंदी लगा दी। इसके पीछे भारत का दबाव भी बताया गया। श्रीलंका की पाबंदी के बाद चीन के जहाज ने अपना रास्ता बदल लिया। ये इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि पिछले कुछ वक्त में भारत और मालदीव के रिश्ते बिगड़े हैं और इसी बीच चीन के साथ मालदीव की नजदीकी भी बढ़ी है। मालदीव की सरकार ने भारतीय सैनिकों के निकलने की डेडलाइन भी फिक्स की है। हालांकि भारत का कहना है कि अभी बातचीत चल रही है। भारत मालदीव विवाद के बारे में विस्तार से जानना हो तो आप फिर से दुनियादारी के एक पुराने एपिसोड का आपसे जिक्र करूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।